फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रीति या प्रीति लाइफ स्टाइल बॉम्बे में आपका फिर से स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए जो प्याज की तीखी चटपटी और यमी प्याज लेकर आई हूँ, क्योंकि कई बार आपके घर में सब्जियाँ नहीं रहती हैं या सब्जी खाने का मन नहीं करता है, तो क्या करें, तो प्याज की इस तरीके से चटपटी तीखी सब्जी बनाइए और सबको खिलाइए, सबको पसंद आइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमें क्या चाहिए, तो ये पहले मैंने दो प्याज काट लिए हैं, छोटे छोटे टुकड़े काटे हैं। आप चाहें तो लंबे ब्लैक जैसे आपकी चॉइस है वैसे आप काट लीजिए। और ये मैंने मूंगफली के दाने लिए हैं जो मैंने विदाउट ऑयल के रोस्ट किए हैं और उसे दरदरा पीस लिया है। और उसके बाद आधा चम्मच हल्दी है, और एक चम्मच लाल मिर्च है, और आधा चम्मच जीरा है, और हींग, और ये दो हरी मिर्च है। तो पहले चलिए हम फ्राई पैन चढ़ा देते हैं। ये मैंने एक चम्मच इसमें ऑयल डाल दिया है, और ये आधा चम्मच जीरा डाल देंगे इसमें हम, और उसके बाद हम हींग डाल देंगे। हींग बहुत अच्छी, मतलब हर सब्जियों में ऐड करिए हींग, चुटकी थोड़ा सा एक चुटकी ये हींग कर ऐड कर देंगे। उसके बाद मेरा जो जीरा ब्राउन हो जाएगा तब इसमें हम ये जो मैंने प्याज काटे हैं उसे हम इसमें ऐड कर देंगे। प्याज को हमें लाल नहीं करना है, थोड़ा सा बस नरम हो जाए तब तक हम इसे भून नहीं लेंगे। अब इसमें जो मिर्ची हमने काटी थी लंबी उसे हम ऐड कर देते हैं और उसे भी साथ में भून लेते हैं। ये देखिए मेरा प्याज जो है अब नरम हो चुका है। तो अब इसमें क्या करेंगे, हम इसमें हल्दी डाल देंगे, ऐड कर देंगे, और मिर्ची डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे। अब इसमें आधा चम्मच गरम मसाला डाल देंगे। गरम मसाले से सब्जी में खुशबू आती है और टेस्ट भी अच्छा होता है। तो अब इसे सारे मसालों को हम अच्छे से पहले भून लेंगे हम अच्छे से। ये देखिए मसाले मेरे सारे भून चुके हैं। अब मैं जो मूंगफली के दाने मैंने कूट रखे थे मिक्स करके सब इसमें मिक्स कर दूँगी मैं। तो सारे अच्छे से मसाले जो हमने हैं सब अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें अब थोड़ा सा हम पानी डाल के इसको अच्छे से, पानी भी ज़्यादा नहीं डालना है हमें, एक कप के लगभग हम पानी इसमें ऐड कर देंगे। एक कप पानी डालना है आपको, एक कप मतलब आधी कटोरी पानी डाल के थोड़ा सा इसको, अब हम इसको 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। और इसमें नमक तो डाला ही नहीं है, पहले इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। अब इसे मिक्स करके अब इसको हम ढक देंगे, 5 मिनट पकाएंगे स्लो आंच पे। ये अब सब्जी देख लेते हैं, 5 मिनट हो गया, सब्जी मेरी पक चुकी है। इसमें ज़्यादा देर नहीं लगती है, 5 मिनट में मेरी सब्जी चटपट तैयार हो जाती है, तीखी चटपटी यमी। इसको पराठे के साथ खाइए और चावल की रोटी के साथ खाइए, बहुत टेस्टी होता है। चलिए अब इसे खाली कर लेते हैं बाउल में। ये देखिए मेरी सब्जी तैयार हो चुकी है, झटपट 5 मिनट की सब्जी है ये। तो अगर ये मेरी सब्जी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट कीजिए। तब तक के लिए ये वीडियो एंजॉय कीजिए, तब तक के लिए बाय।